एवरीवन, कैसे आप लोग? ऐसा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब जो सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए बहुत सारा थैंक्स, बहुत सारा प्यार। चैनल पे जो मेरे पहली बार आके भाई देखते हैं और जुड़ते हैं उनको दिल से ढेर सारा थैंक्स, ढेर सारा प्यार। और मेरे जितने भी फैमिली देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, आप सबको ढेर सारा थैंक्स और होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े भैया छोटे भैया, थंबनेल देखकर आपने वीडियो को क्लिक किया है। सारे प्रोडक्ट आपको दिखाने वाला हूँ और पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, बट उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैसेज जो मैंने किसी कस्टमर से सुना, मतलब उनकी एक बिजनेस थी, उनका एक स्टोरी मैंने सुना। मेरा आज पूरा भावुक हो गया था जब मैं उनसे बात कर रहा था। बहुत सारे चीज़ आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ जो आपको कभी ना कभी काम आएगा। तो पहला ही स्टार्ट करता हूँ कुछ ऐसे चीज़ जो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारा इंस्टाग्राम से कोई वीडियो उठा के और फेक आईडी डाल के वहाँ से भी ऑर्डर लेकर किसी के साथ चीज़ें 3-5 कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है तो हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हर जगह वीडियोस आता है, वहाँ से कोई ऑर्डर मत कीजिएगा। क्योंकि हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरह से डालते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पर वीडियो चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, लोग रीच आउट हो पाएंगे। बट जो ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं हम लोग यूट्यूब से ही करते हैं। यूट्यूब पे अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं वहाँ पे आपको नंबर चलता है, हमारा एक ही नंबर है 9910933516। इसी से आप मैसेज कीजिएगा, आपका मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। किसी भी भाई को, किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी प्रमोशनल मैसेज या क्या बोलते हैं मैसेज बैनर नहीं भेजते। किसी भी व्हाट्सएप से हम कॉल नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को आपका इंक्वायरी आया, आपने प्रोडक्ट लिया, आपका डेटा सेफ, आपको कभी भी हमारे यहाँ से कॉल मैसेज नहीं जाता है जब तक आप इंक्वायरी नहीं करते। आप जितने भी लोग देख रहे हैं इसलिए मैं आपको बताना उचित समझा, क्योंकि आप सेफ एंड सुरक्षित रहिए, किसी के बातों में मत आइए। हमारा डायरेक्ट यूट्यूब पे आया, यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं या अब जो मैं आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से ही देख रहे हैं और यहीं से ऑर्डर कीजिए। दूसरा टॉपिक पे आता हूँ जो मैं आज रियलाइज़ किया और मुझे लगता है ये बात बताना चाहिए आपको। आज ऐसा हुआ कि हमारे पास एक साउथ से फ़ोन आया, हैदराबाद से एक व्यक्ति हैं, एक सज्जन हैं जिन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट की। पूरा स्टोरी बताने के लिए मैं थोड़ा आपका टाइम लूँगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा। शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले टाइम कभी ना कभी एक बात काम आएगा। मेरे पास एक फ़ोन आया, मतलब व्हाट्सएप पे आते रहता है ऐसे इंक्वायरी आते लगता है, तो उनकी कॉल आई और काफ़ी दिनों से उन्होंने मैसेज कर रहे थे बट हम मैसेज को उतना रीड आउट नहीं कर रहे थे क्योंकि होलसेल में प्रोडक्ट पूछ रहे थे, तो हमारे पास होलसेल का कोई डील नहीं होता इसलिए हम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। हमारा पूरा टोटल के टोटल रिटेल है। लेकिन आज उनका कॉल आया तो हम साथ में बैठे हुए थे अपने टीम के साथ, तो उनका कॉल रिसीव हुआ। बोले कि हमें अरिजीत भाई से बात करना है, आप प्लीज़ बात करा सकते हैं। बोला क्या बात है बताइए। नहीं मुझे अर्जेंट कुछ बात करना है, प्लीज़ अगर करा सकते हैं। मैं वहीं पता हूँ, ठीक है बोली। मैंने बोला हाँ सर बताइए क्या बात है। तो उन्होंने जब अपनी स्टोरी सुनाई तो मैं हिल गया थोड़ी देर के लिए। उन्होंने 20 साल काम किया किसी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में और वहाँ से रिटायर जब हुए तो लोग होता नहीं है कि रिटायरमेंट हो गए तो चलो आप कुछ स्टार्ट कर लेते हैं, खाली बैठने से क्या फ़ायदा। उनको कोई सलाह दे दी कि गारमेंट का शॉप खोल लो, इनकम भी अच्छा है और आपका टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा तो आप कर सकते हो। उन्होंने क्या कि किसी की सलाह ली और उन्होंने दुकान डाल दी। कोई 12 लाख रुपये लगाए उन्होंने सामान लेकर आए, जहाँ तहाँ से सोर्सेज, पहले तो मालूम तो था नहीं, तो मेंस का कुछ पुराना स्टाइल टाइप के ट्राउज़र पैंट ऐसा कुछ उठा के लाए, जीन्स भी एकदम बिल्कुल लोकल टाइप का, और उन्होंने 12 लाख रुपए घुसा दी। मतलब उसमें बच्चों के भी कपड़े डाल दिए, क्या बोलते हैं मिक्स बेस टाइप का, हर तरह के कपड़े रख लिए दुकान में और उन्होंने स्टार्ट कर लिया। और अब ये सिंपल बात है, एक बिज़नेस का रूल होता है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप नीचे जाओगे, अगर आपको मालूम है कि बिज़नेस कैसे करना है या आपको मालूम है कि ये इंडस्ट्रीज कैसा है तो आप सक्सेस के ज़्यादा चांसेस है। मैं उनकी पहले बात कंप्लीट करता हूँ फिर आपको कुछ एग्जांपल और कुछ सजेशन भी करूँगा। तो उन्होंने 12 लाख रुपए लगाए, मल्टी स्टोर खोल लिए जिसमें बच्चों का भी है, लेडीजों का भी है और मेंस का भी है, और कपड़े वो जो चलते नहीं है ट्रेंड में, जहाँ से भी उनको सोर्स मिला वहाँ से उठाए। हमारे से इंक्वायरी इसलिए कर रहे थे कि हमारे पास से कुछ प्रोडक्ट उठा के वो अपने दुकान में रखें और अपने दुकान को चलाएं। जब हमारी उनसे बात हुई, हमने व्हाट्सएप पे उनसे कुछ फ़ोटो मंगाए कि आपके पास क्या ऐसी दुकान है में सामान है जो नहीं बिकता है, उन्होंने फ़ोटो भेजा। मैं उनको साफ साफ बोला कि यो वो प्रोडक्ट है जो कॉमन स्टोर में होता है और आपने जो सजाया, उन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हिसाब से बना रखे थे और बहुत सजा के लगाए थे। दुकान बहुत A1 का था, सेल 1000-1500-1200 का डेली का सेल था, क्योंकि 400 से लेकर 1000 रुपये तक मैक्सिमम उनके पास कपड़े की प्राइस थी और जो बेसिक दुकान नहीं होते वो टाइप का दुकान थी। और उन्होंने लोकेशन ऐसा चूज कर रखा था जहाँ पे मतलब पूरा अच्छा खासा माहौल और रेंट भी ठीक ठाक। मैंने उनसे 2-4 बार
दो चार क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किए कि आपको कैसे मालूम कि इस इंडस्ट्री में आया, किसने सलाह दिया, क्या कपड़े के बारे में आपको मालूम था, आपको क्या बेचना चाहिए क्या नहीं। तो बोले नहीं सब के बारे में कुछ नहीं, मैं तो किसी और सर्विस में था, रिटायर हुआ था तो खोल लिया। अब वो पिछले 8 महीने से अपने जेब से रेंट पे आउट कर रहे थे, मतलब जो रेंट जा रहा था जेब से जा रहा था। मैंने उनको लास्ट में सजेस्ट दिया कि सर दो ऑप्शन है, या आप ऐसे एरिया में चले जाओ, कैटेगरी है ना कि 1000 रुपये से नीचे खर्च करने वाले लोग अलग हैं, 1000 से ऊपर खर्च करने वाले लोग अलग हैं। हम बोले कि उस एरिया में खोलिए ताकि लोग वॉकिंग आके खरीद लें। उनको सजेशन किया और शायद इस सजेशन के बाद उनकी दुकान चल जाए, बट बोले नहीं हमको बंद करना है, अभी सब सामान हटाना चाहते हैं, जो लॉस हो गया से लॉस हो गया। अब उस केस में मैं उनसे क्या बातें करता, मैं उनको क्या सजेशन देता कि नहीं आप दुकान बंद कर दो, ये सारे सामान हटा दो। एक व्यक्ति जो 20-18 साल कहीं काम करता है ना किसी भी सर्विस इंडस्ट्रीज में, बहुत मेहनत से पैसा कमाया हुआ होता है, और ख़ास करके गवर्नमेंट सर्विस में जहाँ पे एक लिमिटेड सैलरी है वहाँ का पैसा बहुत हार्ड मनी होता है, और जो मेहनती इंसान है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो। मैंने बोला कि आप जो भी जैसे भी हो आप इसको चलाइए, बंद मत कीजिए, कोई ऐसा एरिया में चले जाइए जहाँ पे दुकान जो माहौल हो जो एरिया हो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बजट वाले लोग रहते हों, 1000 से नीचे वाले शॉपिंग करने वाले लोग रहते हों, वहाँ पे दुकान को सेटअप कीजिए, कोशिश है कि चल जाएगा। और यहाँ पे माहौल बना रखें, वहाँ पे लोग अच्छे आते हैं तो उनको कपड़े भी अच्छे चाहिए, तो शायद वो देखते हों आपका प्रोडक्ट ना लेते हों। इस तरह के उनको मैंने चीज़ सजेस्ट की और शायद चलेगा, उनका सपोर्ट भी करेंगे। मैं ये बात आपको क्यों बताया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की और इंजीनियरिंग का तैयारी हर 12th के पास, मैं 12th जो लड़का पास होता है ना हमारे यहाँ बिहार से, उसके पास दो ऑप्शन है होता है, या सिविल का तैयारी करो या इंजीनियरिंग का तैयारी करो, थोड़ा फैमिली से इधर उधर से पैसे जोड़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करो, वो भी सरकारी का, तब आपको पैसा मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि प्राइवेट में तो अफोर्ड करना मुश्किल बात है। तो AIEEE की तैयारी किया, नहीं निकला, और एक बार मुझे मालूम पड़ गया था कि अब 1-2 साल और दूंगा और टाइम ख़राब होगा, शायद नहीं निकलेगा, मैंने स्विच ऑफ कर दी, वहाँ से छोड़ दी। मैंने अपने प्रोफेशन को अलग अलग चीज़ें ट्राई की, अपने अलग प्रोफेशन बनाया। मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो और किसी सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हो या किसी काम के लिए तैयारी करो, बाय द वे वहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या भाई आपका जीवन खत्म हो जाएगा, या कोई आप बिजनेस कर रहे हो बाय द वे नहीं चला तो क्या आपके जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं काम करने के लिए। अब आपको ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक टेक्निक एंड तरीका बता रहा हूँ। कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम करने के लिए अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत होता है। जैसे आप एजुकेशन आप पढ़ रहे होते हैं जिस भी प्रोफाइल के लिए, उसमें अगर आप पूरा रट गए हैं उस प्रोफेशन के सारे क्वेश्चन आंसर्स को, तो आप 110% एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन अगर आप उस प्रोफाइल का, उस सब्जेक्ट का आपने स्टडी पूरी कंप्लीट नहीं की है और फॉर्म पर फॉर्म डालते जा रहे हो, तो चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे। अब ये बातें सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट कॉलेज ड्रॉप आउट मैं भी हूँ, मुझे रियलाइज हुआ है कि लाइफ में बहुत सारा चीज़ मिस किया हूँ जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं अपने लाइफ में वो चीज़ नहीं कर पाया जो मैं सोच रहा था, लेकिन कर नहीं रहा था कुछ भी भाई, सोच रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ने के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, फिजिक्स पूरा एकदम हम मुँह से जानते थे, रिएक्शन अगर अगर हम 3-4 मुँह से फॉर्मूला याद है, जब क्वेश्चन आ रहा है तो याद ही नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा इसे पढ़ने का। अगर आपको मिले क्वेश्चन तो आप उसका तोड़ जानते हो, आपको वो मतलब मालूम हो कि कैसे फंडामेंटली और थ्योरी इसको कैसे क्लियर कर सकता हूँ, ये चीज़ मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो फेल हो गई। सेम थिंग किसी भी बिजनेस को आप करने जा रहे हो, अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम है तो चांसेस है कि फॉल करोगे, और फॉल करोगे तो सीख जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ही लिमिटेड है और आप फिर भी बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों की बातों में आ रहे हो, तो भाई आप जानबूझ के गलतियाँ कर रहे हो, या आप उसके बारे में जान लो किसी भी व्यक्ति से, या आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर लो, रेडी लगा लो, आवाज़ लगा के बेच लो, पटरी लगा लो, शर्म किस बात की। जब आपको बिजनेस करना है ना तो बिजनेस आपको हर रंग दिखा देता है। मैंने भी अपनी लाइफ में जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, पहले दुकानें वीडियो बनाया, वहाँ से किसी ने गाली दे दी, बुरा लगा, फिर मैंने सोचा कि अब नहीं बनाना, ईगो हर्ट हुआ, तो मैंने अपनी खुद की सेटअप बनाई और वेंडर को हायर करके अपना काम स्टार्ट किया। मैं सारा कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में हर व्यक्ति हर समय आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बंदा खूब अच्छा सैलरी कमा रहे और वो सोच रहा है कि कुछ दिन बाद रिटायर होकर मैं बिज़नेस करूँगा तो सक्सेस हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते हो,
तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सक्सेस जरूर हो जाओगे, क्योंकि जो आदमी सीखने वाला होता है ना, आप जैसे मुझे जीन्स बेचना है या कार्गो बेचना है, मालूम है मुझे कि मेरा यहाँ नहीं चलेगा तो मेरा यहाँ चलेगा। मैं ऐसा इंसान हूँ भाई दबे, ऐसा वक्त भगवान ना दिखाए, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ा ना तो मैं कहीं पर भी बैठ के बेच सकता हूँ प्रोडक्ट। ये मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बेचना एक टेक्निक है, प्रोडक्ट बेचना एक कला है, हर किसी से हर चीज़ काम नहीं होता, बट मैं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारे लाइफ में इस स्ट्रगल के टाइम में सारे काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। भगवान ने मुझे वो हर मौका दिया जो मैं कर सकता हूँ, और मैंने किया भी, एक्सेप्ट भी की, और मैंने उस चीज़ को अचीव भी किया। तो मैं ओवरऑल यही बात कहना चाहूँगा कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी काम स्टार्ट करो, फिर उसके बारे में एक बार रिसर्च करो, जानो, ये देखो। अगर मान लो कि आपके पास 1,00,000 कैपिटल है या 50,000 कैपिटल है और आप पूरा के पूरा बिजनेस में लगा रहे हो तो ये गलती है, आपके पास बैकअप नहीं है। तो अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है और आप बिजनेस लगाना जा रहे हो तो 10,000 रुपये लगाओ पहले, अगर आपको नहीं मालूम है तो, क्योंकि लॉस होगा तो कितना होगा आपके टोटल कैपिटल का, 20% लॉस होगा। बाकी के आपके पास 80% तो कैपिटल है, आप उससे कुछ और कर सकते हो। लेकिन आपने 100% कैपिटल एक बार इन्वेस्ट कर दिया है तो भाई वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल ही नहीं बचा हुआ है कि आप दूसरा ट्राई कर सको। सेम थिंग, ये रूल हर बिजनेस में अप्लाई होता है। आप पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, फर्स्ट स्टेप क्लियर करो, फिर सेकेंड स्टेप में जाओ, फिर थर्ड स्टेप में जाओ, उसके बाद आपको लगता है, आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इस बिज़नेस को जान चुका हूँ, ये चल सकता है, ये हाइप कर सकता हूँ इस बिज़नेस को, मतलब बढ़ा सकता हूँ, आगे ले जा सकता हूँ, बढ़ा चढ़ा सकता हूँ बिज़नेस को, तो आप पूरा इन्वेस्ट करो। फिर मैं उनसे जब बात किया तो मुझे मालूम पड़ा कि 12,00,000 रुपये जो कैपिटल था वो उनकी सेविंग अमाउंट थी, और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे अमाउंट फिक्स कर रखे हैं LIC एंड ऑल। लेकिन मैंने पूछा ये 12,00,000 रुपये जो है वो पैनिक है। अब उनका जो टोटल वैल्यू निकाला दुकान का सामान का, तो मुझे लगा उनकी बाइंग प्रोसेस जो था, जो उन्होंने खरीदारी की थी, वो गलती की थी, वो गलत प्रोडक्ट खरीद लिए थे, महंगा खरीद रखे थे, जो बाज़ार में नहीं चलता वो चीज़ खरीद रखे थे। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मिला, लेकिन लॉस करके ज़्यादा लॉस करके एक्सपीरियंस मिला, वो बात ठीक नहीं है। तो कभी भी आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा, जब आप कोई भी गारमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक बार जुड़ना जरूर मेरे से, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जैसे भी हो सकता है, जितना भी मुझे मालूम है उतना मैं आपको गाइड जरूर करूँगा। और कोशिश करो कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा सेल कैसे कर सकते हो, ये चीज़ ज़रूर सीखना, उसमें बहुत सारी मदद आपकी करूँगा। तो आप पूछ लेना कि मुझे थोड़ा टाइम हो गया तो मैं आपको एक अच्छा सजेस जरूर दे सकता हूँ। तो ऐसे गलती बिल्कुल भी मत करना कि स्टार्टिंग में सारा कैपिटल लगा दी और चीज़ ख़राब कर ली। तो फटाफट से आप प्रोडक्ट दिखाता हूँ, इसी तरह कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हर दिन कुछ ऐड करता रहूँगा, जो लोगों का इन्फॉर्मेशन है हमारे को, आपको सबको मदद करेगा। तो फटाफट से प्रोडक्ट दिखाता हूँ, प्रोडक्ट पूरा एंड तक देखिएगा, अगर इसमें से भी कोई प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो सीधे स्क्रीनशॉट कीजिएगा और अपना ऑर्डर बुक कर लीजिएगा। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फटाफट से आपको एक एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। अगर आप ये डेनिम देख रहे हो तो डेनिम आपको दिखा रहा हूँ 32 में, अगर आपको ये जीन्स डेनिम चाहिए तो आप ले सकते हो। पीछे में देखोगे ऐसे आपको पॉकेट डिज़ाइन एंड फर्स्ट में, अगर आप फ्रंट में देखोगे तो ऐसे मिलेगा, वास केरोग्रा सब कुछ मिलेगा। इसमें प्राइस टेक वगैरह नहीं होता है, चीज़ दिमाग में रखना कि हमारे पास जो भी सरप्लस प्रोडक्ट रहता है उसमें किसी में प्राइस टेक नहीं होता है, किसी में वास केयर भी नहीं होता है। तो मैं पहले बता देता हूँ, बाद में मिलने पर ये बात मत बोलना कि आपने नहीं बताया था, प्राइस टेक किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। समझ में आ रहा है तो आप ऑर्डर करना, अदरवाइज आप देखना लोगों से, जहाँ लोग आपको सस्ता लग रहे हैं, जिसकी प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। हम आपको एजुकेट कर रहे हैं कि आप समझो, चीज़ें जो हो रही है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, बाकी लोगों का नहीं मालूम। मैं किसी से कंपेयर करता हूँ ना, किसी से कंपेयर मैं करना भी चाहता। एक बार देख लो, डेनिम की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप देखोगे अंदर से पूरे दानेदार है, बहुत ही कंफर्ट, बहुत ही अच्छा डेनिम्स है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। साइज़ 32 दिखा रहा हूँ, लेंथ इसका 40 होता है, मोहरी मिलता है इसका 15, सारा 14-15 मोहरी आता है, साइज 32 है तो इसका जो मोहरी मिलेगा वो 14.5, मतलब सारे 14 मिलेगा। स्ट्रेचेबल मटेरियल्स में अच्छी क्वालिटी का डेनिम्स है। प्राइस की बात करेंगे तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, डिस्काउंट रेट में चल रहा है तो आप कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आपका साइज 32 है तो आप स्क्रीनशॉट करना और अपना ऑर्डर बुक कर लेना। अब मैं आपको एक दूसरी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, जो एक बार आप ये भी देख लो, साइज़ में आपको दिखा रहा हूँ 36 में, अगर आपको डेनिम चाहिए तो घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। बैक से आप देख सकते हो कैसा दिखता है, फ्रंट से एक बार आप देख लो कुछ ऐसा दिखता है। प्रॉपर एक अच्छी डेनिम की क्वालिटी चाहिए वो आपको इसमें मिलेगा।
स्टैचुअल मटेरियल्स में है, इसके अंदर भी आपको वास्केर वगैरह मिल जाएगा, बट इसमें प्राइस टैग वगैरह नहीं है, सरप्लस में है। डेनिम के क्वालिटी देखोगे, नंबर वन डेनिम के क्वालिटी है, बहुत ज़बरदस्त डेनिम की क्वालिटी है। लेंथ इसका मिल जाएगा 41, मोहरी आपको मिल जाएगा इसका 16। स्टैचुअल में स्लिम फिट टाइप का जीन्स है, स्लिम फिट मोस्ट इवर हमारे पास स्लिम फिट होता है, स्ट्रेट फिट बूट कट वगैरह चीज़ नहीं बेचता मैं, ऐसा जीन्स बेचता हूँ जो आप ऑफिस जा सकते हो, कैजुअल वेयर कर सकते हो, पार्टी वेयर में भी जा सकते हो, क्योंकि डेनिम बिल्कुल सिंपल सोबर होता है हमारे पास, जो आप कभी भी फॉर ईवर वाली चीज़ है कि आप कहीं भी पहन के जा सकते हो, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये भी आपको मिल जाएगा डिस्काउंट रेट में, इसका भी प्राइस आप पूछ लेना, एक ही रेट होता है। डिस्काउंट करने के बाद इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज ही हम प्राइस बताते हैं, अलग से कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेते। तो एक बार पूछ लेना, साइज 36 दिखा रहा हूँ, ये सारे असॉर्टमेंट साइज है, इसका दूसरा पीस ऑलमोस्ट नहीं है। मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ, साइज 30 में दिखा रहा हूँ, नॉन स्ट्रेचेबल जीन्स है, हैवी मटेरियल्स में डेनिम जीन्स है ये, साइज में आपको 30 दिखा रहा हूँ। इसका डेनिम का क्वालिटी अंदर से देखोगे तो थोड़ा हेवी टाइप का मिलेगा, साइज 30 दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डेनिम जीन्स है। लेंथ आपको मिल जाएगा इसका 41 और मोहरी इसका मिलेगा आपको 15। नॉन स्ट्रेचेबल में है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। अगर आपको ये डेनिम जीन्स चाहिए तो इसका भी प्राइस आप पूछ लेना, स्क्रीनशॉट कर लो, और जहाँ से भी देख रहे हो भारत के ऑलमोस्ट सारे पिन कोड पे हमारा डिलीवरी अवेलेबल है, तो किसी भी कोने से देख रहे हो ना आप, तो घर बैठे हुए मंगा सकते हो। मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ जो साइज 30 में, 30 थोड़ा प्लस है, कम नहीं है अगर आप देख पा रहे होंगे तो। इसमें भी वास के वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, कोई 3-5 वाला चीज़ नहीं है, कोई 3-5 नहीं है, जो दिखा रहे हैं वही मिलेगा। साइज 30 दिखा रहा हूँ आपको, एक बार देख लो, फ्रंट से आपको ऐसा कुछ डेनिम जीन्स दिख रहा है, बैक से देखोगे कुछ ऐसा दिख रहा है, 30 प्लस है, कम नहीं है, मतलब 31 वाले को भी बहुत परफेक्ट आएगा। लेंथ इसका है 42, मोहरी आपको मिल जाएगा 14। अगर आपका लेंथ बड़ा लग रहा है ना, तो आप इसको अल्टर करा लेना, आप बोल देना हम अल्टर करा के भेज देंगे, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। बाय द वे आपके आसपास में अल्टर वाला मतलब टेलर भाई नहीं है तो बता देना, हम यहाँ से अल्टर करा के भेज देंगे। जो 30 साइज़ है, पीछे में देखोगे आप कुछ ऐसे पॉकेट डिज़ाइन है, फ्रंट में आप देखोगे ऐसे मिलेगा आपको, इसके अंदर भी वास के वगैरह मिल जाएगा आपको, बट इसमें भी प्राइस टैग नहीं है। बहुत ही अच्छा डेनिम्स है हमारे पास, डेनिम का जो क्वालिटी है ना, पहनने पे फील होगा कि आपने कुछ अच्छी क्वालिटी का डेनिम पहना हुआ है, ये बातें नहीं बता रहे, मिलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का है। ये भी इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज है, तो आप एक बार प्राइस पूछ लेना। लेंथ इसका भी 41 मिलेगा, मोरी मिलेगा इसका 15। जो भी प्राइस हम आपके साथ शेयर करेंगे वो सारे के सारे इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज है। तो भारत के किसी कोना से देख रहे हो, अगेन बता रहा हूँ, तो अभी जुड़ जाओ।